नमस्ते दोस्तों मेरा नाम विनोद है और मैं शराबी हूँ विनोद भाई हाई भाई हाई भाई हाई भाई हाय 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 की असीम कृपा है भाई कि आज विनोद शराब नहीं पिया है उस ईश्वर का और आप सब भाइयों का शुक्र गुजार है विनोद और दिल से आभार व्यक्त करता है भाई कि आप सब लोगों ने मेरी हेल्प की है मदद की है और मेरा साथ दिया है इसीलिए तो आज यार विनोद सोबर है लापता हो चुका था यार फिर से जिंदा हुआ हूँ और भाई जैसे वो भाई अभी अभी बोलकर गए ना कि यार डेज हो गए सोबर है वो आज भाई यही तो है परिणाम का यार तो मेरे तरफ से मेरे ग्रुप मेरा होम ग्रुप आत्मविश्वास समूह के तरफ से उन्हें बहुत सारी बधाई उनकी जिंदगी में ऐसे एक दिन शराब मुक्ति के आते रहे ये मैं ईश्वर से प्रेयर करूंगा भाई यही है ईश्वर का परिणाम ईश्वर के हाथ में सब परिणाम मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है यहाँ आने के पहले वाला मैं अपना अनुभव थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ भाई भाई मेरा शराबी पन्ना सत्रह साल का है और मेरी स्टार्ट ना शराब की कुछ भाई फिल्मी स्टाइल थी यार मुझे मैंने ये सपने में भी, भी नहीं सोचा था कि यार मेरी शुरुआत ऐसे होने वाली है कुछ उसके बारे में कुछ मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि मैं यार बचपन से तो मैं सीधा साधा शर्म था थोड़ा ज़्यादा बातें नहीं करता था ज़्यादा कुछ मस्ती नहीं कुछ नहीं बस अपना घर और अपना काम देखता था और भाई मेरी शादी भी ना कम उम्र में हो गई क्योंकि तो परिवार में एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और यार माँ बाप तो मेरे बूढ़े थे इसी वजह से यार मेरी शादी थोड़ी जल्दी हो गई इक्कीस साल मुझे पूरे हो गए और मेरी शादी हो गई और शादी के बाद का जीवन ना भाई उनका बहुत ठीक ठाक था दो साल आ, बीवी को पता था कि यार ये शराब नहीं पीता है अच्छा खासा है तो बड़े प्यार से जिंदगी कट रही थी भाई पर दो साल के बाद ना विनोद की ज़िंदगी में एक नन्ना सा बच्चा आने वाला था मैं बाप बनने वाला था और उस टाइम मेरी बीवी ना भाई मैं के चली गई थी अपने माँ बाप के यहाँ और मैं अकेला, अकेला अकेला घर में ना यार वो बोलते ना कि अकेलापन शराबी के लिए बहुत बड़ा श्राप है और शायद यार में पैदाइश शराबी या क्या वो पता नहीं पर वो अकेलापन मुझे श्राप बन गया था भाई वो अकेलापन मुझे पता नहीं था यार मेरे लिए श्राप है या क्या है या मैं शराबी था पहले से पैदाइश कुछ पता नहीं था भाई पर यार उस टाइम में ना मेरे दिमाग में कुछ वो फिल्मी स्टाइल वाले ड्रामे वो फिल्म स्टाइल वाले अफेयर वो प्यार के लफड़े ये सब मेरे दिमाग में चलने लगे और यार ऐसे में है अचानक मुझे एक रॉन्ग नंबर आ गया था मेरे मोबाइल पे और यार वो रॉन्ग नंबर पे यार मैं बात करने लगा वो सामने से लेडीज बात कर रही थी और बातों बातों में सिलसिला आगे बढ़ने लगा और बस वही सिलसिला हमारा प्यार में बदल गया और भाई रोज़ रोज की बात चल रही थी प्यार बढ़ रहा था भाई हमारी खतरनाक लव स्टोरी शुरू हो गई यार वो भी दीवानी और मैं भी दीवाना एकदम से यार विनोद की जिंदगी ना पलट गई थी यार जो घर में बीवी के सिवा किसी और को ना देखने वाला विनोद और यार सीधा दूसरी के दूसरे दूसरी औरत के साथ अफेयर करने लगा है प्यार करने लगाए तो भाई उसने मुझे एक दिन अपने घर में बुलाया और मैं चले गया मेरे गांव से तो उसका गांव यार बहुत दूर था अस्सी नब्बे किलोमीटर था सौ के करीब फिर भी भाई चले गया और जाने के बाद तो उसने सीधा सीधा यार मेरे हाथ में बियर की बॉटल दे दी अरे यार बोला मैं शराब पी रहा पिता ने यार ये मेरे लिए नहीं है वो मुझे जमती नहीं है तो उसने मुझे कहा कि यार ये शराब नहीं है ये बियर है सॉफ्ट ड्रिंक है तुम बहुत दुबले पतले हो थोड़ी थोड़ी लेते रहना तुम्हारी हेल्थ बनेगी मैंने बोला बाबा ना मुझे माफ़ कर मैं शराब नहीं पीता हूँ शराब नहीं है बोले सॉफ्ट ड्रिंक है थोड़ा समझ लेना बोले यार तो ऐसे कैसे पर यार मुझे डर लगता था क्योंकि यार मेरे घर में ना मेरे पिताजी भी अल्कोहलिक थे और मेरा बड़ा भाई और यार मैं बचपन से देख रहा था यार जब भी वो घर में आता था मेरा बड़ा भाई ना भाई इतना इतना झगड़ा करता था यार इतना बड़ा लपड़ा करता था तो यार मैं बचपन से उसका मार खाते खाते बड़ा हो गया था इस वजह से मुझे शराबी लोगों से बहुत नफरत थी और मुझे शराब से डर लगता था इसलिए भाई मेरा पीने का तो प्लान नहीं था बिल्कुल ही नहीं था पर उसने मुझे बोल दिया यार ये सॉफ्ट ड्रिंक है शराब नहीं है पियर है तेरे शरीर के लिए अच्छी है तेरा पीते ले रहना थोड़ी थोड़ी तो भाई बस इसी सोच में ये विनोद डूब गया और भाई थोड़ी सी पी ली ज्यादा भी नहीं थी भाई विनोद बस थोड़ी पी ली यार वो आधा गिलास शायद थी बियर बस वो आधे गिलास की बियर ने विनोद को ऐसी खींच दी ना भाई पीने के बाद मजा आ गया विनोद पीते वक्त तो मजा नहीं आया पर पीने के बाद ना तो ऐसा मजा आया यार ये शर्मा रहा था विनोद उसके सामने बात करने को यार महीने के बाद तो बिन्दात बात करने लगा मैं मैंने उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल ली कहाँ से हो कहाँ से नहीं क्या करते हो क्या नहीं सब कुछ पूछ लिया मैंने और तो भाई तेरी सब कुछ देरी विनोद में आ गई उसके बाद ना भाई विनोद को थोड़ा सा पता चल गया कि विनोद तेरे लिए ये बियर अच्छी है यार तेरी हिम्मत बढ़ गई आज और भाई इसी वजह से मैं थोड़ी थोड़ी कभी 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 पीता था बहुत दिन तक भाई मैंने यहाँ छुप छुप के पिए जब तक मेरे घर में मेरी माँ को पता नहीं चला ना मैं तब तक चुप चुप के पीता था और मेरी बीवी को तो कुछ अता भी नहीं था और पता भी नहीं था भाई मैं पी रहा हूँ उसने कहा था ना कि तेरी बॉडी बनेगी तेरी हेल्थ बनेगी भाई सचमुच में यार दो ढाई महीने में ना मेरी हेल्थ बन गई जो मैं पहले सूखी लकड़ी था वो कभी कभार बियर पीना हफ्ते में एक आधी बार महीने में दो बार या तीन बार बस ऐसे तो मेरी हेल्थ भी बन गई अच्छी खासी हेल्थ बन गई थी तो उसके बाद एक दिन मुझे थोड़ी ज़्यादा हो गई मैं दोस्तों के साथ गया था बाहर और वहाँ पे मैंने एक दो बियर पी ली उस दिन मुझे ज़्यादा हो गई और मैं घर में गया तो मेरी माँ ने मुझे देख क्योंकि दरवाजा तो माँ ने खोला था मैं लेट हो गया था। और मेरी माँ भाई बहुत रोई वो दिन मेरा शराब पीते वक्त बुरा बहुत बुरा दिन जब पहली बार को मालूम हुआ ना माँ को वही दिन मेरे लिए बहुत बुरा दिन मेरी माँ बहुत रोई भाई और मेरी माँ ने एक मुझसे बात कही तुझे शराब पीने की जरूरत क्या थी क्या तू मरना चाहता है ये बात तो माँ ने भाई बोल दी थी पर यार मैंने उसकी उस माँ की उस बात को ना यूं ही छोड़ दिया दिल में रखा ही नहीं यार मेरी माँ ने यह कहा था मुझे कि तुझे मरना है क्या और मैं सोच मैं ये सोचता था कि यार मैं शराब पीने की बियर पी सकी मैं मरने वाला हूँ ये सब पागल है लोग मेरी माँ को कुछ समझता नहीं है मैं बीजेपीता मेरे बाप के जैसे मेरे भाई के जैसे मैं ये शराब नहीं पीता हूँ ये लोग तो यार गावटी शराब पीते और झगड़ा करते घर में आते हैं और रात में और धिंगाना चालू होता है इसको मारो उसको मारो और खुद भी कहीं पे गिर जाओ ये सब इनका काम है मेरा काम नहीं है मैं तो बस स्टाइल से पीता हूँ और स्टाइल से जीता हूँ ये मैं सोचता था भाई पर यार इसका परिणाम आगे चल के इतना खतरनाक होने वाला है मेरी जिंदगी में ये मुझे पता नहीं था और भाई विनोद तो वैसे ही यार गरीब घर से था और आज ही भाई गरीबी में जी रहा हूँ वो गरीबी मेरे लिए कुछ तो बड़ी बात नहीं, नहीं है और छोटी बात भी नहीं जो जहाँ भी हूँ मैं तो सही हूँ पर यार उस गरीबी में ना एक अच्छी खासी जिंदगी जीने वाला विनोद भाई शराब पीते पीते पैसा ख़त्म हो रहा था जो अपनी मेहनत से अपना घर परिवार चलाता था यार ये पैसे शराब में ज़्यादा जा रहे थे तो यार बोला ये महंगी शराब मुझे नहीं पाएगी अब तो विनोद का कोटा भी बढ़ चुका था शराब का तो भाई मैं कम पैसे में कम दाम में सस्ती शराब ढूंढने लगा तो यार मैं जैसे मेरे बाप को मैं बोलता था कि यार ये देसी पीता है और भाई को बोलता था कि ये भी देसी पीता है और झगड़ा करता है तो यार एक दिन मैंने भी वो देसी थोड़ी ले ली तो यार जब पहली बार मैंने जब देसी ली ना भाई मैंने वो बॉटल ही फेंक दी क्योंकि तो जो झटका लगा ना यार गले में पूरा जल रहा था गला मैंने वो बॉटल ही फेंक दी और भाई बोला साला ये कैसे पीते हैं ये लोग ये साला इतनी हार्ड शराब है साला ऐसी ही जल रही है वो पेट में जाके तो यार पूरा पेट जल जाएगा मेरा ये सोचकर भाई मैंने वो पहले तो बॉटल फेंक दी वो पर यार जो मेरे साथ जो लड़का था वो साला घटक रहा था उसने तो फेंकी नहीं कुछ भी नहीं वो तो सीधा आग बंद करके दबा दिए अरे यार बोला ये आग बंद करके पी लिया मैं साला आँख खोल के पी रहा हूँ यार मुझे पानी ज़्यादा डालना है भाई पानी ज़्यादा डाल दिया ठंडा ठंडा पानी था पूरा ग्लास फुल कर दिया पानी से और उसे ले लिया मैंने यार थोड़ा हार्ड तो ज़्यादा ही थी पर ले लिया भाई क्योंकि एक बार फेंक चुका था दोबारा फेंकना नहीं चाहता था और भाई ले लेने के बाद ना यार नशा भी विनोद तो बहुत ज़्यादा हो गया उसका और भाई ये तो विनोद का तो कोटा तो पहले बढ़ चुका था और बस धीरे धीरे क्वार्टर भी मेरे बढ़ रहे हैं एक की जगह दो हो रहे दो की जगह तीन हो रहे हैं यार धीरे धीरे मेरा कोटा बहुत बढ़ गया और उधर मेरे परिवार में पूरा परिवार यार चिंता कर रहा था सोच रहा था कि यार अब इस घर का क्या होगा क्योंकि मेरे बड़े भाई को तो बचपन से मैंने देखा था मेरे माँ बाप भी देख रहे थे सब देख रहे थे सब गाँव देख रहा था यार ये बहुत खतरनाक शहरा है और उसके पीछे पीछे यार उसके कदम पे कदम टालते मैं भी उसी रास्ते से जा रहा था तो भाई एक दिन ना घर में बहुत बड़ा सन्नाटा हो गया और उस दिन मैं अपने गांव ही नहीं था मैं बाहर गांव गया था जैसे मैं यार रात में वापस आया मुझे पता लगा मेरे बड़े लड़के ने कहा कि वह बोले घर में बहुत झगड़ा हो गया है बड़े पापा का उसने माँ अपनी बड़ी माँ को भी मारा है और बोले अपने भाई को और दीदी को भी मारा है छोटे छोटे लड़के थे भाई उसके और ये बोले अभी सो गया घर में मैं सोचा यार अब जान दो निपट गया है सो गए होंगे सब मुझे पता नहीं था यार कि मेरी भाभी और मेरे भाई के बच्चे वो घर में नहीं है वो कहीं जाके छुप गए हैं ये मुझे पता नहीं था और मैं यार उसके घर में मैं जा भी नहीं सकता था क्योंकि दोनों भाइयों में ना इतनी खतरनाक दुश्मनी बन गई थी भाई हम तो ऐसे सगे भाई थे एक ही माँ के बेटे थे पर यार इतनी दुश्मनी बन गई थी ना दोनों में शराब के चलते दोनों भी एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे और भाई मैं उसके घर में जाके मैं देख भी नहीं सका मेरा भाई कैसा है सो गया है या जाग रहा है या रो रहा है भाई देख भी नहीं सका मैं उसे और मैं अपने घर में जाके कर सो गया पर जा भाई जैसे सुबह हुई ना और जैसे मैं नींद से उठा तो बाहर निकला तो यार देखता हूँ कि लोगों की बहुत सारी भीड़ लगी है मेरे भाई भाई के घर में अब मैंने उन लो, लोगों से बोला भाई क्या हुआ क्या है इतनी सारी भीड़ क्यों बनी है तो उन लोगों ने मुझे कहा यार इधर तो आके थोड़ा देख अपने घर में भाई मैं अपने भाई के घर में गया और मैं खिड़की से देखता हूँ तो यार मेरा भाई अंदर ना बेड पे पड़ा है मैंने बोला यार ये क्या हो गया ये ऐसे क्यों पड़ा है दरवाजे को मैं देखता हूँ यार दरवाजा अंदर से लॉक है भाई दरवाजे को तोड़ के अंदर चले गया और उस भाई को मैं हाथ लगा के देख रहा या हिला के तो भाई वो मर चुका था और भाई उस भाई को ना मैं देख के एकदम शौक हो गया यार ये इसने क्या कर दिया ये कैसे मर गया तो भाई उसने सुसाइड की थी यार उसने पॉइजन ले लिया था उसने अपने आप को ही खत्म कर दिया था और भाई उसके बच्चे ना मेरे सामने बैठे थे उसकी लड़की तो थो छोटी थोड़ी बड़ी थी वो बेचारी रो रही थी और उसका छोटा लड़का था ना भाई वो भाई बस मेरी तरफ देख रहा था उसे बेचारे को यह भी पता नहीं था इतनी कम उम्र थी कि उसका बाप मर चुका है उसे उस बात की समझ ही नहीं थी यार जिंदा क्या और मुर्दा क्या वो बस मेरी तरफ छोटी छोटी आके करके देख रहा था तो भाई मैं उसकी तरफ देख रहा था ना मेरे आंख से भी आंसू नहीं बहे भाई क्योंकि मैं तो पहले यार भाई से दुश्मनी हो गई थी मेरा तो वो दुश्मन था तो यार मुझे भी उस बात का गम नहीं हुआ कि मेरा भाई मर चुका है भाई उस भाई मुझे की मुझे वजह मालूम हुई शराब की मरने की उसकी तो यार बस सौ रुपये ये भाई गरीब की जिंदगी बस खाली सौ रुपये के लिए यार उसने अपनी बीवी से सौ रुपये मांगे थे शराब पीने के लिए और वो सौ रुपये ना मिलने की वजह से ना उसने अपनी बीवी को मारा बच्चों को मारा और खुद यार वो पायजल लेके चले गया क्योंकि किसान थे हम और किसान के घर में तो यार जहर आराम से मिल जाता है अगर मरना है मुझे सुसाइड करना है तो बहुत दूर जाने की जरूरत भी नहीं है मेरे हाथ में तो यार डे नाइट वो जहर की बोतल रहती है मैं कभी भी पी सकता हूँ पर भाई उसने वही किया और इस दुनिया से चले गया hmm. बस भाई सौ रुपए के लिए उसने जान दे दी ये मुझे बात ना बहुत खटक रही थी वो उस वक़्त और मैं उस भाई को मरे हुए भाई को गाली दे रहा था अब इतना कैसा तू तो पागल हो गया क्या तू तो आदमी था कि क्या था यार तूने सौ रुपए के लिए जान दे दी तो अपने आप को तो बहुत बड़ा मर्द समझता था यार मर्द बोलता था वो मेरा भाई ना भाई उस शराबी पर मैं अपने सीने पर लिख के रखा था उसने मर्द करके और मैं वही बात उसे मैं गाली दे रहा था मरने के टाइम यार तू मर्द अपने सीने पर लिखने वाला इंसान ऐसी मौत मरता है क्या पर भाई विनोद को ये पता ही नहीं था कि यार ये शराब पीना भी कोई बीमारी है ये भाई पता नहीं था और भाई मैंने उस भाई को गाली दी थी भाई वो तो भाई चले गया और उस परिवार की जिम्मेदारी सब रिश्तेदारों ने मुझे बोला कि यार विनोद बोले अब तू शराब छोड़ दे अब उस परिवार की जिम्मेदारी भी तुझे देखनी है तुझे उठानी है उस परिवार की तरफ देखने वाला कौन है तो भाई कहीं ना कहीं विनोद के अंदर से वो इंसान जाग रहा था शायद मैंने उनकी बातों तो पर ध्यान दिया और बोला यार ठीक है मैं शराब नहीं पीऊंगा और भाई वैसे मेरी शराब उस टाइम बंद हो गई थी दो महीने तक मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया और भाई फिर से दो महीने के बाद ना फिर से विनोद के हाथ में शराब आ गई और फिर से वही मेरे लबड़े चालू हो गए घर में झगड़े करना अपने भाभी से झगड़े करना और भाई उस परिवार से ना मैं बहुत दूर चले गया और मैंने उन्हें सीधा बोल दिया कि यार तुम जियो या मरो मुझे कुछ लेना देना नहीं है तुमसे और उस परिवार से मैं अलग हो गया भाई मैं छोटे छोटे बच्चे थे और मेरी भाभी यार अकेली औरत तो उस घर में है थोड़ा सोचना था भाई पर मैंने वो कभी सोचने की जरूरत ही नहीं गिरी मुझे गिरी मुझे और मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस बात की तरफ यार उस परिवार की तरफ और भाई बस मैं अपने घर में झगड़े करता था शराब पी और भाई एक दिन ना मेरा मेरे पिताजी शराब पी के घर में आए और मेरे पिताजी ने ना माँ को गाली दी और दो चार थप्पड़ भी मार दिए तो मुझे पिताजी का ऐसा गुस्सा आया तो यार मैंने अपने पिताजी को ना अपने आंगन में बांध दिया था रस्सी से बांध के रख दिया था और मैंने सबको वार्निंग दी थी कोई छोड़ना नहीं है अगर कोई छोड़ देगा ना तो फिर मैं हो और आप हो ये भाई मुझे गुस्सा था और मैं शराब पी के तो घर में यार राड़ा कर रहा हूँ बहुत बड़ा झगड़ा कर रहा हो वो सब कुछ ठीक है पर मेरे सामने मेरा बाप अगर यार घर में पी के आता है और झगड़ा करता है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये सब विनोद की जिंदगी में भाई बहुत बहुत बुरा हो रहा था और कुछ दिनों बाद भाई पिताजी भी चले गए फिर तो भाई अकेला गिर गया हो गया ये विनोद अपने घर में कोई नहीं था भाई इस विनोद को अभी संभालने वाला समझने वाला बड़ा भाई भी चला गया और पिताजी भी चले गए और भाई इन सबसे छोटा मैं था तो यार उस दिन से मैं बड़ा बन और सब जिम्मेदारी यार मेरे ऊपर थी पर मैं यार शराब की तरफ था मैं ये उस जिम्मेदारी से मैं दो बहुत दूर चले गया था और उसमें शराब के बहुत करीब था और वो शराब मुझे मेरी मौत की तरफ लेके जा रही थी पर उस बात की तरफ मेरा ध्यान नहीं था में बहुत घमंड था यार बहुत ही घमंड था बहुत ज्यादा घमंड था मुझ में और मैं किसी की सुनता नहीं था अगर भाई मैं अगर किसी की सुनने वाला होता तो शायद मुझे कहीं रिया मिया में मुझे कोई डाल दाल, दाल सकता था पर या भाई ऐसा हुआ ही नहीं कभी यार किसी ने ऐसी कोशिश भी नहीं की कि मुझे रिया में डाले क्योंकि मैं उन्हें सबको पता था कि मैं मर रहा हूं इधर पूरी इज्जत तो चली गई भाई पर एक एक रुपया जो मैंने कमा के मैं जी रहा था वो सब कुछ खत्म हो गया मेरी खेती थी छोटी सी जो जो मेरी जिंदगी का जीने का एक सहारा था वो भी मैंने पूरा बर्बाद कर दिया और यार मैं शराब के लिए पैसे नहीं मिल रहे इसलिए मैं भाई दूसरे के खेत में जाके मैं गुलामी करता था खुद का तो सब बर्बाद कर दिया और दूसरे के घर में मैं भाई गुलामी कर देता और यार उस बीवी को मैं हर रोज मारना उसे गाली देना हर रोज उसे टॉर्चर करता था उसकी फैमिली से बीवी मेरी बीवी की फैमिली उस फैमिली से मेरी दुश्मनी होगी उस फैमिली को मैं अपने घर में कभी आने नहीं दिया आठ साल तक मेरी बीवी को उसकी माँ से मैंने बहुत दूर कर दिया। बिल्कुल बात करना नहीं उनका चेहरा भी देखना नहीं कुछ भी नहीं एकदम बहुत बहुत खतरनाक दुश्मनी कर ली थी मैंने मेरी बीवी अपनी माँ की याद में रोती थी पर यार उसे मैंने कभी जाने नहीं दिया उसका पिताजी तो बूढ़े है वो बेचारे बीमार रहते थे कभी कभी फोन भी आता था तुम्हारे ससुर बीमार है मैं बस एक ही जवाब था मेरा मर गया है क्या मर गया तो मैं आ रहा हूँ लकड़ी डालने के लिए ऐसी भाई मेरी लैंग्वेज थी पर भाई बस सब यही दिन देख रहे थे सब परिवार भी यही देख रहा था सबसे विनोद धीरे 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 दूर हो गया भाई और बाद में ना विनोद की ऐसी फट गई ना बहुत फटी भाई क्योंकि तो जिस घर से दो दो मैत निकली है ना भाई उसी घर में ये तीसरी भी मैयत निकलने वाली थी और ये पूरा मेरा घर ना बेसहारा होने वाला क्योंकि उस घर के घर में तो एक मई था और बाकी तो सब लेडीज थी और भाई बस मेरा भी दिन आ गया था नज़दीक बहुत नज़दीक था क्योंकि यार जो कट्टा विनोद बन चुका था ना वो सब कुछ चले गया और भाई बस सूखी लकड़ी की तरह जगह पे सूख गया था और यार ये शराब ना विनोद की इतनी प्यारी थी यार विनोद से कभी दूर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे कभी नहीं क्योंकि यार मैं बीवी के हाथ पे भी कसम रखता था कसम खाता था मैं सर पे हाथ रख के क्योंकि मैं छोड़ना चाहता था भाई शराब ऐसा नहीं कि यार विनोद इतना सब होने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहता छोड़ना चाहता था पर भाई मेरे बस में नहीं था मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था क्योंकि मैं पूरा दिन सोचता था कि यार मुझे आज पीनी नहीं है पर भाई दिन कैसे तो भी निकल गया ना यार तो रात नहीं निकलती थी मेरी रात को उसी ठेके पे जाता था और पी के घर आता था बीवी की कितनी बार भाई मैंने कसम खाई है अरे आज के दिन तीस रुपये दे दे मुझे कल से नहीं पीने वाला मैं तेरी कसम नहीं पीऊंगा मैं कल से अगर आज नहीं पीऊंगा तो मैं आज ही मर जाऊंगा यार मेरे हाथ पाओ काम नहीं कर रहे मेरे पेट में खाना नहीं जा रहा है देखना मैं कैसे हो रहा हूँ और भाई उससे विनती करता था वो बेचारी दे दी दे दे थी और भाई मेरा वही चल रहा था और भाई उस उन दिनों में ना यार विनोद रोने लगा क्योंकि मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ मेरी शराब छूट नहीं रही है मेरे छोटे छोटे बच्चे है उस माँ की याद आ रही थी भाई जब मौत दिखती है ना यार सब सब कुछ याद आता है मेरे जैसे शराबी को जब मौत दिखती है ना तो सब याद आता है उस भगवान से मैं रो रो के विनती करता था हे भगवान एक तो मुझे उठा ले या मेरी शराब बंद कर दे भाई ये सब परिवार ना देख रहा था मेरी बीवी मेरी आंखों से देख रही थी मेरी तड़प मैं शराब छोड़ना चाहता हूं पर भाई वो जमता नहीं था ना तो एक मीटिंग का जो मेंबर जो मेरे पास आया ना भाई उस मेंबर ने बस मुझे एक आवाज दिया जब से मैं आया भाई तब से मैं तो देख रहा हूँ यार वो जैसे मैसेज देने जाते हैं तो बहुत कुछ बताते हैं और बहुत समझा समझा के उसे बताते पर भाई उसने ना मुझे एक ही आवाज़ दिया था मीटिंग में आ रहा है क्या और भाई मैं उसके पीछे पीछे चले गया जैसे वो आवाज़ आई बस भाई मैं उसके पीछे पीछे चले गया बोला ठीक है यार चलो जाके देखेंगे ना ये अभी जा रहा है शराब नहीं पी रहा है देखेंगे यार मीटिंग में क्या होता है और भाई बस उस दरवाजे से अंदर चले गया मुझे तो ये पता नहीं था भाई इसका परिणाम क्या है मैं होने वाला है पर भाई जिस दिन मैं मीटिंग में जाके बैठा ना सचमुच में यार वो परिणाम जो है ना भाई वो ईश्वर के हाथ में है मैं तो बस जैसे मैं पहले दिन गया मैं तो भाई बस अपना शरीर लेके गया था वहां उतना सब कुछ तो मैं सोच के नहीं गया था कि यार मैं वापस जाऊंगा मेरी शराब छूटी जाएगी ये कुछ सोचा नहीं था बस भाई उसने चल मुझे बुलाया उसने चलने के लिए और मैं चले गया उसके साथ जैसे उसने बुलाया वैसे पर भाई वहां पर जाने के बाद जो मुझे मिला है ना वो भाई बहुत अलग था यानी कि विनोद ये सब कुछ पहली बार देख रहा था कि यार विनोद के कोई इतने सारे दोस्त बनेंगे और वो भी मेरे अपनों से भी अपने ये मैंने कभी नहीं सोचा था भाई वहां जाने के बाद ना हर शराबी मुझसे हाथ मिला रहा था कोई मुझे गले लगा रहा था तो यार एक बंदा पीछे से आया और मेरी पीठ उसने पीठ पे उसने हाथ रख के थाया और उसने मुझे पूछा क्या नाम है तेरा मैंने बोला विनोद विनोद बोले बहुत सही जगह आया है यार बोलो मैं भी ऐसे ही था पर बोले अब मेरा अच्छा है तो तेरा भी हंड्रेड परसेंट अच्छा होने वाला है और विनोद तो मेरे को दावे के साथ बोल दिया कि हंड्रेड परसेंट तेरा भी अच्छा होने वाला है यार थोड़ा अच्छा लगा विनोद को यार क्योंकि उसने डायरेक्ट बोल दिया ना कि हंड्रेड परसेंट तेरा अच्छा होने वाला है यार बोला ये तो हंड्रेड परसेंट अच्छा होने वाला है बोल रहा है सचमुच अच्छा होने वाला है उन सबका प्यार देख के ना यार विनोद खुश हो गया क्योंकि ये बाहर की दुनिया में भाई विनोद से कोई प्यार से बात नहीं करता था कोई विनोद से हाथ नहीं मिलाता था गले तो मिलना भाई बहुत दूर की बात है क्योंकि गले मिलना तो यार सबके लिए मुझे ना पसंद था मैं सबके लिए मेरी बीवी तक मेरी बीवी तक यार मुझे गले लगाने के लिए हिचकिचाती थी क्योंकि यार मैं एक एक हफ्ता नहाता भी नहीं था मैं बिना नहाए ऐसे ही रहता था मुझे खुद के बारे में भी यार सोचने के लिए फुर्सत नहीं थी सुबह से लेकर शाम तक रात तक शराब 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 जब रात में यार नींद से आँख खुलती थी तो तब शराब की याद आती थी तब शराब पीता था मैं ऐसा मैं जानवर था उस परिवार को हर रोज रुलाता था फिर भाई मीटिंग में जब आके बैठा हो ना तो तुम सब भाइयों के अनुभव की वजह से तुम्हारी शेयरिंग की वजह से विनोद को विनोद की बीती हुई जिंदगी याद है विनोद तू क्या कांड करके आया है और भाई जो मैंने कांड किए थे वो कांड जैसे मुझे याद आए तो विनोद रोने लगा पहले मीटिंग से विनोद रोने लगा भाई और भाई विनोद बहुत रोया है बहुत बहुत रोया वो भाई मीटिंग रूम में रोता था घर में आके रोता था दिन भर यार खेत में जाकर रोता था भाई आँख से ना ऐसे बहने लगे बहुत सारे बहने लगे मीटिंग में जाने के पहले कभी रोया नहीं मेरा भाई मर गया तो मैं रोया नहीं मेरे पिताजी चले गए मैं तब भी रोया नहीं मेरी माँ को मैंने थप्पड़ मार दिया था मैं तब भी रोया नहीं मेरी बीवी रो रही थी बुखार से तड़प रही थी और भाई मुझे किसी बात की चिंता नहीं तो मैं बिल्कुल ही नहीं रोया पर जैसे मीटिंग में आके बैठा ना भाई उस दिन विनोद रोने लगा और भाई इन इस रोने की वजह से ये मेरे आंख में आंसू जो नहीं थे वो आंसू टपकने की वजह से आंसू आने की वजह से विनोद को सोवेराइटी मिली भाई क्योंकि बीती हुई भी जिंदगी जिंदगी विनोद को तो ऐसे याद आने लगी कि विनोद तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया है इतनी अच्छी खासी जिंदगी तुझे मिलने के बाद भी क्योंकि तो इंसान से तो बड़ी जिंदगी नहीं है भाई दुनिया में ये तो मुझे पता है सबसे बड़ी चीज अगर भगवान ने बनाई है तो वो है इंसान और इतनी अच्छी जिंदगी मिलने के बाद भी मैं एक जानवर से भी बदतर जिंदगी में जी रहा था ये भाई विनोद को बहुत परेशान कर रही थी ये बात ना विनोद को इतनी खा रही थी ना खाई जा रही थी बहुत खाई जा रही थी विनोद तू ये क्या कर रहा था तेरी जिंदगी क्या आती तुझे करना क्या था और तू क्या कर रहा था यार उस परिवार में तेरे सिवा कोई और नहीं है और तू उस परिवार को हर रोज रुला रहा है बिचारी बीवी जो एक गरीब परिवार से मां बाप बूढ़े है उसे कोई भाई नहीं है वो तेरे साथ इतने सालों से रह रही है और तू उसे हर रोज रुला रहा है जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और जो माँ तेरा ही नाम लेती थी बचपन से कि यही लड़का है जो हमारा सब कुछ करने वाला है उस माँ को तू रुला रहा है जो सबसे बड़ी बहन है वो बहन तेरे लिए पाव पकड़ रही थी कि शराब छोड़ दे वरना तू भी मर जाएगा उसे भी रुलाया भाई सबको रुलाया है विनोद सबको ऐसा कोई नहीं है जो मेरे लिए रोया नहीं है भाई क्योंकि उन सबने मेरे घर में मेरे परिवार में देखा है भाई दो दो चले गए हैं अब तीसरा बच्चा है ये भी जाने वाला है पर नहीं भाई मैं जिंदा हुआ मौत के दरवाजे से भाई वापस आया हूं बीती जिंदगी याद आती है भाई आंख में पानी आता है तो मैं कहा था मैं मौत के कितने दूर था बहुत करीब था भाई मैं दूर नहीं था बहुत करीब था वहां से मुझे खींच के लाया ईश्वर ने यहाँ पे क्योंकि मैं मर जाऊं ये ईश्वर को भी पसंद नहीं था शायद ईश्वर ने मेरी जिंदगी और बच्ची कुछ रखी थी संभाल के जो मुझे आप मिल गई यहाँ पर आने के बाद इसी वजह से मैं आज जिंदा हूं भाई और जो भाई टॉपिक दिया है ना मुझे वो टॉपिक मैं पूरी तरह से शेयर कर सकू इसके लिए मतलब टॉप का स्पीकर नहीं हूँ भाई पर ना भाई मैं, मैंने जो अपनी खुद की जिंदगी जी है ना मैं वही शेयर करूंगा और भाई जैसे ही भाई ने कहा था कि विनोद भाई अपना कीमती समय निकाल कर आए नहीं भाई अनुज भाई मैं कीमती समय निकाल कर नहीं आया हूँ आप सब लोग सब मेरे भाई लोग मेरे लिए कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए विनोद का अनुभव सुनने के लिए आपने कीमती समय निकाला है विनोद की अकेले की क्या मजा यार जो कीमती समय निकाल के आप सबको बिठा नहीं भाई आप सबने मुझे मौका दिया है अपना अनुभव शेयर करने और भाई आज ही ये मेरा अनुभव ना मेरे लिए गुरु है इस अनुभव को मैं चार रोज अपने दिल में संभाल कर रखता हूँ क्योंकि इस अनुभव की वजह से आज विनोद जिंदा है अगर ये अनुभव विनोद को याद ना आता यार विनोद चले गया था क्योंकि इतना अहंकार था इतना घमंड था हर जगह मैं अपनी चलाता मैं अपने आप को ईश्वर समझता था कभी किसी के मेरे सामने चलने नहीं दिया पर भाई आने के बाद पता चला कि ईश्वर है जो मेरी जिंदगी में काम कर रहा है जब मैंने शराब के सामने भाई हजबलता स्वीकार ली मैंने हार मान ली तो सचमुच में उस ईश्वर की एंट्री मेरी जिंदगी में हो गई और भाई तब से लेके आज तक मैं ईश्वर से बहुत नजदीकी लाने की कोशिश कर रहा हूँ हर रोज क्योंकि तो हंड्रेड परसेंट ईश्वर है आज, आज विनोद को लगता है कि यार हंड्रेड परसेंट ईश्वर है क्योंकि तो ईश्वर को तो मैं नहीं मानता था पहले कभी अगरबत्ती भी मैंने लगाई नहीं कभी पूजा पाठ भी मैंने की नहीं पर भाई आज दिल से कहता हूँ यार हंड्रेड परसेंट ईश्वर है तभी तो आज विनोद जिंदा है क्योंकि विनोद के साथ जीने वाले मर गए विनोद के साथ पीने वाले दोस्त मर गए पर विनोद कैसे जिंदा है आज और भाई जो जिंदगी मुझे ईश्वर ने है ना उसका आगे चल के क्या परिणाम होगा ये पता नहीं पर यार आज के दिन बस आज के दिन जो मैं शराब से दूर हूँ ना भाई यहाँ तक तो मुझे ये ईश्वर ईश्वर के हाथ में परिणाम है ये तो मुझे पता है क्योंकि यार एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहना ये विनोद के हाथ में नहीं था बिल्कुल ही नहीं था पर भाई आज दो साल पूरे करने में अभी भी विनोद को ना उन्नीस दिन बाकी है शायद उन्नीस बीस दिन बाकी है तो यार यहाँ तक आने के लिए तो मुझे ईश्वर ने मदद की ना मेरी वो ईश्वर ही मुझे यहाँ तक लेके आया और जो एक दिन विनोद एक घंटा एक शराब से दूर नहीं रहता था विनोद यार इतने दिन शराब से दूर कैसे क्या हो गया तो जैसे दिन जिस दिन मीटिंग में आया उस दिन तो मुझे ये पता नहीं था नहीं यार मैं आज से शराब ही मैंने छोड़ दी मैं आज से शराब ही नहीं पीने वाला ये मुझे पता नहीं था भाई आगे चल के मेरा क्या होने वाला है क्या नहीं ये मेरे हाथ में तो नहीं था पर इस ईश्वर के हाथ में हंड्रेड परसेंट वो परिणाम है भाई इसीलिए आज विनोद शराब से दूर है आज उस परिवार में सही सलामत हो भाई प्यार से जीने की कोशिश कर रहा हो उस परिवार की देखभाल कर रहा हो मेरे बच्चों की पढ़ाई का मैं खर्चा उठा रहा हूँ जिस बच्चे के मैंने पढ़ाई के लिए दस रुपये तक मैंने दिए नहीं थे दस रुपये तक तो मेरा छोटा सा बच्चा छठवीं कक्षा से एक हॉस्पिटल में काम करके बेचारा पढ़ाई कर रहा था जब वो नवी दसवीं कक्षा में गया ना भाई तब मुझे होश आया मेरा लड़का दसवीं पढ़ रहा है और भाई आज मेरा लड़का बाहर पढ़ने गया है आज मैं ये सोब्राइटी में थोड़ा बहुत खर्चा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई क्योंकि ईश्वर ने मुझे बताया इस मीटिंग ने बताया आप सब भाइयों ने बताया विनोद तो तू तो एक जिम्मेदार इंसान है तू तो अपनी जिम्मेदारी को जरा ढूंढ पहचान तो तेरी जिम्मेदारी क्या है तो दो बच्चों का बाप है एक माँ का बेटा है पति है इतनी सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर और और तू है कि यार से लगाओ और परिवार से दुजापन है है मैं बहुत गलत था भाई मैं बहुत गलत जिंदगी जी रहा था इस गलत जिंदगी ने विनोद को तो भाई बहुत पटका है और उस शराब ने ना मुझे मार मार के यहाँ तक भेजा है अगर मैं उस शराब की मार ना खाया होता तो शायद मैं अल्कोहलिक अनानिमस में नहीं आता भाई पर उस शराब ने ना मुझे बहुत मारा है और भाई बहुत रुलाया है और भाई जैसे मीटिंग में आया हो एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहने की कोशिश कर रहा था भाई नब्बे दिन नब्बे मीटिंग जो मुझे बताया गया भाई एक एक दिन के हिसाब से नब्बे दिन भी विनोद के निकल गए और उसके बाद ना भाई विनोद को यार सेवा का मौका मिला है और भाई वो उस ग्रुप में जिस ग्रुप का मैं सदस्य हूँ उस ग्रुप में ना विनोद को चेयरमैन बना दिया चेयरमैन बनने के बाद भाई विनोद के ऊपर जिम्मेदारी उस ग्रुप की जिस ग्रुप का मैं सदस्य हूँ सबसे पहले जाना है मीटिंग का दरवाजा खोलना है मीटिंग रूम साफ करनी है भाई ये सब ईमानदारी से करने लगे पर भाई उस सेवा का मौका मिलने के पहले ना यार एकदम से डायरेक्ट स्टेप का प्रोग्राम बस स्टेप में ही चले गया विनोद मैसेज इधर मैसेज कर रहा उधर मैसेज कर रहा और भाई मेरा पहला मैसेज शायद मैं दस या पंद्रह दिन की सोवराइटी थी तब मैंने पहला मैसेज मुझे करने का मौका मिला था ईश्वर की कृपा से और भाई उस पहले मैसेज में ना आ, मेरा रिश्तेदार है वो और उसको ही मैं पहले मीटिंग में लेके गया बिठा बिठाया उससे तो भाई उस पहले मीटिंग में ना वो चमत्कार हो गया उसकी जिंदगी में भी जो मेरी जिंदगी में हुआ उसके भी दिमाग से ना वो शराब का ऑफिसन गायब हो गया आज उसे भाई दो साल हो गए उसे भी मेरे पीछे पीछे वो भी दो साल के नज़दीक आ रहा है भाई वो भी शराब नहीं पिया पर यार वो मीटिंग नहीं अटेंड करता है वो उसे मीटिंग अटेंड मीटिंग उसे मिलती नहीं है उसे मीटिंग वो मीटिंग से बहुत दूर है और भाई वो शराब से भी बहुत दूर पर भाई मैं आज देखता हूँ ना यार जैसे वो मीटिंग से दूर रहने के बाद शराब से तो दूर है वो यार इन सब लोगों के करीब नहीं है ये सब जो मीटिंग के मेंबर है ना इन सब के करीब नहीं है और भाई ये ईश्वरी जो संगत बोलते है ईश्वरी ये ईश्वरी संगत जो भाई मुझे मिली है ये साथ मुझे मिला है वो भी शराब से दूर है पर उससे नहीं मिला है क्योंकि वो मीटिंग में आता ही नहीं है किसी मेंबर से बात करता नहीं है कांटेक्ट ही नहीं करता है तो भाई कैसे मिलेगा क्योंकि मुझे हर रोज मीटिंग करनी पड़ती है उसके लिए आप सब भाई के भाइयों आप, आप सब भाइयों के दिल में रहने के लिए आप सबसे मिलजुल के रहने के लिए मुझे हर रोज मीटिंग करनी पड़ती है और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि विनोद हर रोज मीटिंग करता है विनोद को हर रोज मीटिंग मिलती है ऐसा दिन ही नहीं आज तक आया विनोद की जिंदगी में विनोद को कभी मीटिंग नहीं मिली भाई जब से आया हो ना तब से लेके आज तक हर रोज मीटिंग है भाई और विनोद हर रोज मीटिंग करता है कभी ये सोचा भी नहीं कि यार आज मुझे जाना नहीं है नहीं भाई मैं आज से जाता हूँ यार मुझे आज जाना है मीटिंग में कुछ भी हो जाए पर मुझे आज मीटिंग में जाना है क्योंकि भाई ये मीटिंग में जाने की वजह से मुझे बहुत फ़ायदा होता है और भाई आज जो मैं यहाँ तक आया हूँ बस मीटिंग की वजह से आप सब भाइयों के सामने जो मैं शेयरिंग कर रहा हूँ अपना अनुभव शेयर कर रहा हो भाई बस मीटिंग की वजह से क्योंकि हर रोज मीटिंग में जाता हूँ और मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ भाई एक दिन ना ऐसे ही हो गया मैं शेयरिंग कर रहा था और जो पीछे सबसे पीछे एक बैठा था सदस्य और वो पीछे से उठ के आया और भाई उसने मुझे गले लगाया और वो बेचारा रोने लगा और उसने सीधा बोल दिया कि विनोद बोले आज तक बोले मैं दो साल हो गए यार मैं मीटिंग कर रहा हूं पर बोले मुझे किसने रुलाया नहीं तो भाई उस दिन ना विनोद को थोड़ा समझ में आया कि यार ये अनुभव ना इसीलिए बोलते सीनियर भाई कि यार मिलते जुलते अनुभव है हम हमारे हम शराबियों के अनुभव ना मिलते जुलते हैं ये बात उस दिन उनके दिमाग में क्लिक हो गए हाँ यार ये बात सही है आज वो सामने बैठा है बेचारा रो रहा है तो क्यों रो रहा है क्योंकि यार जो मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ है तो उसकी जिंदगी में हंड्रेड परसेंट कुछ ना कुछ तो ये हुआ है इसीलिए बेचारे की आग से आंसू टपके है हो सकता है मेरा भाई मर रहा है शायद उसके भाई के साथ कुछ ऐसा हुआ ना हो पर या हुआ हो उसे पता है कुछ ना कुछ तो उसे लगा यार और भाई तब से लेके आज तक विनोद ना यार खुद का अनुभव शेयर करता है पूरी ईमानदारी से किसी के दिल को ठेस पहुंचे ऐसा मैं करना नहीं चाहता तो भाई इसी वजह से ना विनोद के सब जगह से विनोद को प्यार मिला है क्योंकि मैं किसी की शेयरिंग को क्रॉस करता नहीं हूँ क्योंकि मैं भाई उतना बड़ा स्पीकर उतना बड़ा शेयरर नहीं हूँ यार मैं तो न्यू कमर हूँ बस मुझे जो मिला है और जो मैं भुगत के आया हूं ना बस मैं वही शेयर करने की कोशिश करता हूं और भाई जब भी किसी को मैसेज करता हूं यार बड़ा सुकून मिलता है दिल खुश होता है भाई अंदर से खुश होता है और भाई आज तक ना विनोद को बहुत से परिवारों ने ना आशीर्वाद दिया है ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है विनोद पर ये इतना खतरनाक विनोद था यार दूसरों को गंदी गंदी गाली देता था साला कोई मर गया तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है खुद का भाई मरा तो मैं रोया नहीं हूं पर यार आज उसी भाई को याद करता हूँ और किसी को बचा ले भगवान ये प्रेयर करके उसके पास जाता हो और भाई आज तक तो भगवान ने मेरी बहुत सी सुनी है बहुत सी सुनी है भाई और भाई सचमुच में यार ये टॉपिक पे मैं शेयर करूं मैं फिर से कहता हूँ कि यार मैं उतना बड़ा कोई स्पीकर नहीं हूँ पर मुझे ऐसे लगता है यार जो परिणाम जो होने वाला है वो ईश्वर के हाथ में मेरे हाथ में कुछ नहीं है बस वहाँ तक जाना मेरा काम है क्योंकि यार मैं एक पोस्टमैन हूँ और मैं बस वही करता हूँ और भाई ये चार पांच दिन पहले की बात मेरे गांव में यार बस स्टॉप पे हमारे गांव के बस स्टॉप पे मैं से मैं आ गया था भाई बस स्टॉप से और जैसे मैं आया तो भाई ऐसी बारिश लगी ना भाई बहुत जोरों से बारिश चल होगी और वो एक बेचारा शराबी वो रोड पर गिरा था दोपहर से लेके वो शाम तक वहीं पे गिरा था पर भाई वो जैसे बारिश लगी वो मेरे आंखों से दिख रहा है और यार सब लोग बारिश से बचने के लिए यहाँ वहाँ छुप रहे हैं और वो बेचारा अकेला बेहोशी की हालत में गिरा पड़ा है ऊपर से बारिश गिर रही है और नीचे से भी पानी बह रहा है तो बेचारा वहीं पे पड़ा है और यार कहीं ना कहीं ना कहीं ना कहीं कही विनोद के दिमाग में वो खटक रहा था विनोद को विनोद को चैन से बैठने नहीं दे रहा था एक जगह यार मेरी बार बार मेरी नजर उसी पर जा रही थी अभी भाई ये तो मुझे पता नहीं कि यार बार बार मेरी नजर उस पर क्यों जा रही है वो तो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है वो तो मेरा कोई अपना नहीं है पर भाई जो ज्यादा मीटिंग बोलते हैं ना ज्यादा मीटिंग का असर विनोद पे हुआ है और यार कहीं ना कहीं से वो ईश्वर ने विनोद को सदबुद्धि दी है कि विनोद तुझे वहाँ पे जाना है और जो भाई बोलते हैं ना हमारे बड़े भाई कि जहाँ भी हेल्प लिए हेल्प के लिए जरूरत है जहाँ कहीं भी हेल्प मांगती है हेल्प के लिए जरूरत है हेल्प की वहां पर एक हाथ सदै के सदैव सदै के लिए वहां पे होना चाहिए एक हाथ वहां पे जाना चाहिए तो भाई वो बात ना दिमाग में विनोद के चल रही थी कि यार उसे जरूरत है हमारी और उसे उसके पास जाना उसे बचाना हमारा काम क्योंकि अगर जिस ए वहां पे कोई अगर ए सदस्य वहां पर है और उसके सामने अगर कोई शराब से लतपथ होके मरना है तो यार मैं देख के मैं क्या कर रहा हूँ यार वो शराबी है ना तो फिर वो हमारा है वो अपना है क्योंकि यार सीधे बोलता यार बाहर की दुनिया ना मेरे जैसे शराबी को नहीं समझ अगर बाहर की दुनिया में अगर वो सोच होती जो आज अल्कोहलिक के के तो लोग जाके मुझसे पहले उठा लेते पर यार उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा है बहुत सारे लोग देख रहे थे वो तो गिरा पड़ा है बारिश से पूरा लटपथ है पूरी बारिश गिर रही है वो तो मरने वाला है ये सब जन बोल रहे थे सब लोग बोल रहे थे ये आज मरने वाला है चला इतनी शराब पीने की क्या जरूरत है पर यार किसी के दिल में ये ख्याल नहीं आया कि यार उससे उठा कर कहीं सूखी जगह पर रख दे तो बेचारा बच सकता है भाई ऐसा किसी ने किया नहीं पर पता नहीं भाई इस विनोद को वो समझ कहाँ से आई भाई ये स्टेप का प्रोग्राम बारह कदम ये तीसरा कदम जो मेरी इच्छा जो कुछ भी है मेरी इच्छा चाहे ईश्वर के ईश्वर के पास ईश्वर के हाथ में सौंप देना है मुझे तो यार मैंने इस, उसी ईश्वर को मैंने याद किया ईश्वर मैं उसके पास तो चले जाऊंगा पर उसे बचाना तेरे हाथ में क्योंकि यार कई लोग मुझे बोल रहे थे तुझे जरूरत क्या है अगर उसे कुछ हो गया अगर वो मर गया तेरे ऊपर आएगा तू फंस जाएगा वो तो कहाँ कहाँ पता नहीं है तो ये कोशिश मत कर उसे बचाने की उसे रहने दे वैसे पर भाई विनोद का दिल नहीं माना नहीं माना भाई मैं उस बारिश में उसके पास गया उस बेचारे को उठा के मैंने एक सूखी जगह पे ला के रखा और उसे देखा यार पूरा बेहोश था वो उसे होश ही नहीं था पर उतने में यार मेरा समाधान नहीं हुआ मैं रुका नहीं बोलते ना हमारे भाई मैजिक वर्ल्ड पर भाई उसे बचाने की कोशिश मैं कर रहा था वो बचे या ना बचे वो मेरे हाथ में नहीं था वो तो ईश्वर के हाथ में था उसका परिणाम क्या होने वाला ये मुझे अब पता नहीं यार अगर वो मर गया हो सकता है मेरे ऊपर उल्टी कंप्लीट हो जाए कोई मुझे फंसा दे ऐसा कुछ भी हो सकता था पर मैंने वो सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया ईश्वर अब तू देख ले क्या करना है क्या नहीं करना है मैं अल्कोलिखानी का, का सदस्य हूँ और मुझे तो ये करना ही है उसकी जान बचाने के लिए मुझे उसके पास जाना ही है कुछ ना कुछ तो मुझे रास्ता निकालना है ढूंढना है तो भाई यही सोच के मैं ना उसे लेके आया और मेरे दिमाग में और घंटी बजी ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि ये कम पढ़े लिखे विनोद के दिमाग में यह बात कैसे आए उसका फोटो निकाल दिया मैंने बस फोटो निकाल के मैंने जितने भी मेरे अड़ोस पड़ोस के जितने भी मेरे गाँव है छोटे छोटे उन हर गाँव में मैंने वो फ़ोटो भेज दी जहाँ जिसके मेरे पास नंबर है उन उनके पास मैंने उसकी फ़ोटो भेज दी भाई पहचानो अगर कि तुम्हारे गांव का है अगर कोई है तो बताओ तो भाई एक मेरे पड़ोसी गांव से एक मुझे रिटर्न मैसेज आया कि भाई बोले ये हमारे गांव का है तो मैंने रिटर्न कॉल किया कि भाई उनके घर तक जाओ और उनके परिवार को भेजो बेचारा मर जाएगा तुरंत भेजो तो भाई मैं उसी के था रात के साढ़े आठ नौ बज रहे थे भाई तो जैसे उनकी गाड़ी आई उनकी गाड़ी में मैंने उसे बिठा दिया और वो घर लेके गए और मैंने उन्हें कहा कि यार हॉस्पिटल बिस्पिटल में लेके जाओ उसे वरना ये बेचारा मर जाएगा तो भाई वो सीधा घर लेके गए और वो भी बेचारा बहुत गरीब घर गर से था और यार घर जाने के बाद उसे आग भी लगा के क्या थोड़ा गर्म बिरम कर दिया उसे वो ठंडा आ गया था उसे गर्म करने के बाद थोड़ा उसे होश आया और मैंने फिर बाद में ना एक डेढ़ घंटे बाद मैंने फ़ोन लगाया कि भाई बाबू बाबू बोला आप कैसे तेरे अंकल तेरे पिताजी कैसे मैं बोले अभी भैया ठीक है बोले अभी बात कर रहा है थोड़ी थोड़ी भाई मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया और भाई जैसे सुबह हुई मैं उसके घर उसके पास चले गया अपनी मीटिंग के दो सदस्यों को लेकर और भाई उसे हमने मीटिंग के बारे में बताया और वो बंदा उस दिन से लेकर आज तक मीटिंग में हर रोज आता है क्योंकि जो विनोद के दिमाग में जो चल रहा था ना भाई सही सही चल रहा था पॉजिटिव सोच थी पूरी मेरे दिमाग में कोई ऐसी नेगेटिव सोच आई नहीं वो उस टाइम में पूरी की पूरी पॉजिटिव सोच थी भाई पर उसका परिणाम ये होने वाला है ये विनोद को पता नहीं था कि वो जिंदा रहने वाला है और अल्कोहलिक अनाज में इसको और एक सदस्य मिलने वाला है ये विनोद को पता नहीं था भाई हंड्रेड परसेंट पता नहीं था उसके साथ क्या होने वाला ये मैं नहीं जानता था पर वो ईश्वर जानता था चाहे इसलिए ईश्वर ने मुझे वहां पर भेज दिया और उसे नई जिंदगी दे दी भाई जो आज वो बेचारा वो जो आज जिंदा है उसका श्रेय मैं नहीं लेता मैं तो अभी कहा था मैंने कि यार मैं तो पोस्टमैन हूं बस मुझे वही करना है जो मुझे मिला है और भाई मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ आज जो ईश्वर ने मुझे दिया है ना वो किसी और को मिले बस मैं ये सोच रखता हूँ मैं ये नहीं रखता कि यार मैं घर में बहुत गरीब हूँ मुझे बहुत सारी दौलत मिले मेरी बहुत बड़ी हवेली हो मैं भाई ये कभी नहीं मांगता भगवान से क्योंकि तो उसे पता है कि विनोद को क्या चाहिए और कितना चाहिए वो मुझे उस टाइम जितना मुझे चाहिए उतना देने वाला है क्योंकि जिस विनोद के घर में ना रोटी पकती थी तो चावल नहीं चावल पके तो यार सब्जी नहीं ऐसे एक एक दिन भूखे रहने के बाद भी जिंदा रहा हूँ मेरे बच्चे कभी कभी यार रुकी सुखी खा के सोए फिर भी आज जिंदा है अच्छी अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है यार जो मैं शराबी था मैं घर में अपने कुछ देता नहीं था फिर भी मेरा बच्चा अपनी पढ़ाई अपनी खुद के मेहनत से कर रहा था बेचारा वो आज कहीं बाहर जाके पढ़ेगा ये कभी विनोद ने सोचा नहीं था पर भाई वो ईश्वर ना सब कुछ करवा लेता है सब कुछ और आज अगर विनोद अगर किसी के पास जाता है तो उसमें विनोद के विनोद का बड़ापन नहीं है क्योंकि विनोद यार अंदर से दिल से यार वही सोच लेके जाता है कि भगवान मैंने अपने भाई को नहीं बचा सका मैं पर वो वो भी बेचारा किसी का भाई है किसी का बाप है किसी का बच्चा है किसी का पोती है यार उस घर की खुशियां ना जाए यही सोच के भाई मैं उस, उस तक पहुंचता हूं और उसका परिणाम भाई जो कुछ भी अच्छा दिख रहा है ना आज बस वो ईश्वर को पता है मुझे नहीं क्योंकि ईश्वर ईश्वर है ईश्वर है इसीलिए भाई आज सब कुछ धीरे धीरे अच्छा हो रहा है अगर विनोद को ये सोचना आती ना भाई विनोद तो चले गया होता भाई उड़ गया होता हवा में तो भाई खुद को छोटा बना के जीने की कोशिश करता हो वैसे भाई मीटिंग का समय बहुत ज्यादा हो गया मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया इसके लिए तो मैं भाई सभी भाइयों से अब माफ़ी मांगता हो तो क्योंकि यार मैं इतना टाइम लेना नहीं चाहता था बस तो यार बातों बातों में कब मैं आगे चले गया मुझे पता नहीं भाई तो भाई आप सबने मेरी शेयरिंग सुन ली अगर मैंने हाथ से कुछ मुंह से कुछ अगर गलत शब्द निकले हो तो भाई मैं सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि तो यार मैं तक तो मैं कोई टॉप स्पीकर नहीं हूँ बस तो भाई आप सबने मुझे शेयरिंग करने का मौका दिया आप सब लोगों ने इतना टाइम मुझे सुन लिया बर्दाश्त किया यही मेरे लिए बहुत है भाई और इस हेल्पिंग हैंड ग्रुप का मैं बहुत बड़ा आभारी कि आज मुझे थोड़ा अनुभव अपना शेयर करने का मौका दिया और भाई जो कुछ भी परिणाम है अभी तक तो मैंने शेयरिंग कर दी जो कुछ भी परिणाम है उस ईश्वर के हाथ में है मेरे हाथ में नहीं है आप सब ने सुन दिया मुझे बहुत बड़ा थैंक यू थैंक यू भाई